मुझे तो सिड ने लिफ्ट के अंधेरे में पीटा था, लेकिन मैंने मैंने उसे खुले में सबके सामने पिटवाया है। और माँ, जो चोट दिख रही है वो तो कुछ भी नहीं, असली चोट तो वो है जो उसकी ईगो पे लगी होगी और उसमें बहुत दर्द होने वाला है। और आप देखना, अब दादा एक दो दिन में उस रागिनी को भी नौकरी से निकाल देंगे, फिर कौन बचा जो इस बिजनेस को संभालेगा? मैं, रंजीत। खूब बोलो, खूब बोलो, आई एम प्राउड ऑफ यू। है और चमन टुकड़ी में এটা তো আমাদের নাম্বার ওয়ান স্টেপ ছিল, লেকিন আব হামে পতা করনা পড়েগা কি রাগিনী আর জামাই বাবু মে চক্কর কিয়া হ্যায়। ইয়ে সমঝ লো, জিস দিন উনকা রাজ পতা চল গয়া না, জ্যাকপট লাগ জায়েগা। তু জানি না বাবা, সে দিন কবে আসবে? পতা চল জায়েগা মা, ও ভি পতা চল জায়েগা। হ্যাঁ, বস দেখতে চাইয়ে কি রঞ্জিত করতা কিয়া হ্যায়। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Z5 पर। अभी Z5 ऐप डाउनलोड करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रागिनी देसाई हैं, जो ये दूसरी बार प्रेस के सामने आई हैं। ये प्रेस के सामने ज्यादा नहीं आती है, लेकिन बैकड्रॉप में रहकर इन्होंने मॉव के लिए बहुत कुछ किया है। इतना कुछ किया है कि आज हम इस सिचुएशन में है कि सारी मीडिया को हमारी कंपनी को लेकर इतना इंटरेस्ट है। ऑल थैंक्स टू रागिनी। Thank you everyone. लेकिन हाँ, ये सब आज के इस न्यूज चैनल के स्टोरी के पहले की कहानी है। यू नो, इन आर कंपनी, इन मॉब, हम लोग ब्रांड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ब्रांड को कोई आंच ना आने पाए। इसीलिए मॉब के ओनर और चेयरमैन होने के नाते मैंने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठ कर ये फैसला किया है कि अब से रागिनी सिर्फ मेरी लाइफ पार्टनर नहीं, बल्कि मॉब में मेरी बराबर की पार्टनर। Thank you everyone. और ये खबर उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है जिन्हें ऐसा लगता है कि ये बेकार की अफवाहें फैलाकर मेरे सबसे अजीज दोस्त को मुझसे छीन लेंगे। ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि रागिनी ने मेरी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा बनाया है और मेरी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। और इन सब के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू रागिनी। फाइनली एक बात कहना चाहता हूं कि मॉब को तोड़ना इतना आसान नहीं है और जो लोग पीछे से मॉब को तोड़ने के फिराक में हैं, उनसे ये कहूंगा कि पीछे से वार मत करो, सामने आने का हौसला रखो। क्या बात है मामी, अगर आपको मुझसे कुछ बोलना है तो डायरेक्टली बोलिए, मां से बोल के क्या फायदा। और रही रागिनी की बात, तो दो रागिनी का हमारे साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो मॉफ के लिए ऐसे काम करती है जैसे कि ये उसके खुद की कंपनी है। अनलाइक सम पीपल जो ये बात समझते ही नहीं है। मिल गया जवाब, हो गई तसल्ली। रागिनी, वो पेपर वर्क बाकी है तो उसके लिए मैं तुम्हें एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, तुम वो पेपर्स अरेंज कर देना। कल सुबह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग है। कल सुबह? नील, डॉक्यूमेंट्स इतनी जल्दी? मतलब हाँ, क्यों, मतलब जस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो होंगे ना तुम्हारे पास? हाँ है, पर वो एक्चुअली मंगवाने पड़ेंगे। हम सॉरी मंगवा लेना, कौन सी बड़ी बात है। अरे कॉफी? हेलो एवरीबॉडी, सॉरी। Yeah, just a second.
देखना, हम बम फूटेगा। थ्री टू वन फूटा। रागिनी इधर आना जरा। एक्सक्यूज मी। व्हाट इज दिस रागिनी? रंजीत भांडा फूट गया, हम जीत गए रंजीत, हम जीत गए। Just go through this. Clauses ठीक हैं कि नहीं देख लीजिए। क्या माँ, तुम तो बोल रही थी कि बम फूटेगा, ये तो अपने घर में ही धमाका हो गया। जानी बाबा, मैंने तो खुद अपने हाथों से रखा था, ये कैसे हो सकता है? फिर गया कहाँ? Congratulations, gentlemen, our new partner. मिस रागिनी देसाई। अरे रागिनी, तुम यहाँ? बाय द वे, तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आई एम श्योर अच्छी चल रही होंगी, बिकॉज़ तारीख जो नजदीक आ रही है। और हाँ, यहाँ तो वो आने और सिट भी आए हुए हैं, अपना बैंक्वेट हॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स, डेकोरेशन, सब कुछ। उसके बाद वो लोग रोमांटिक डिनर के लिए जाने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम है। ऑफ कोर्स। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये रागिनी जी आई होटल में? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई। नहीं है? ठीक है, अब चलो। सर। आनिया, आनिया। सर। आनिया। क्या हुआ तुम्हें? I'm okay sir. I think प्रेगनेंसी की वजह से। आप प्लीज जाकर रागिनी दी से मिलिए, यू नीड टू टॉक टू हर। आई एम ओके, मैं घर जाके रेस्ट करूंगी। अन्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे लिए कमरा ढूंढना होगा। मैं रोशनी को ढूंढ लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। जस्ट कम, केयरफुल केयरफुल केयरफुल, संभाल के। जो सिद्धार्थ की मॉम ने कहा वो वही सच है क्या? सिद्धार्थ और आने सच में ही दूसरे के साथ है, और मैं यूं ही सब कुछ दांव पे लगाने चली हूं, नील को हर्ट करने जा रही, उस इंसान के लिए जो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।